हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस की समाअत, इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत इस्लामाबाद में पेशी, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए, वकील बाबर अवान के दलाए। नवाज शरीफ के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने की दरखास्त, प्रोसिक्यूटर जनरल का ओहदा खाली है, हाई प्रोफाइल केस की समाअत मुलतवी की जाए, नैब वकील की इस्तदा, ये कोई नुक्ता नहीं, जस्टिस मुशीर आलम ने नैब की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हमारे लिए अमीर गरीब सब बराबर हैं, कोई हाई प्रोफाइल नहीं, अगर आप काम नहीं कर सकते तो सब इस्तीफा दे दें, जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस पर समाअत आज हो रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल, मरियम नवाज कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड और इसहाक डार के खिलाफ 1-1 रेफरेंस की समाअत भी होगी। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत, इसहाक डार के मजीद टेस्ट होना जरूरी है, वकील ने नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, नैब की इसहाक डार को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा पर फैसला महफूज। कौमी असेंबली में आज फाटा रिफॉर्म्स बिल मंजूर किए जाने का इम्कान, इजलास से फैजाबाद धरने के हवाले से बहस भी मुतवक्के, सेनेट का इजलास भी आज होगा। फाटा इस्लाहात के लिए जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च, शुरका पिशावर से एक टैक्सिला रवाना, कल इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। इस्लामाबाद में इक्तिसादी तआवुन तंजीम का इजलास, वजीर दाखिला अहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के चैलेंजेस का सामना है, अकेला कोई मुल्क इक्तिसादी मसाइल पर काबू नहीं पा सकता, मकबूजा बैतुल मक़द्दस को इसराइल का दार हुकूमत तस्लीम करने से कशीदगी बढ़ी। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद करार, भारत अपने इंतखाबी मामलात में पाकिस्तान को ना घसीटे, साजिशों के बजाय भारतीय क़यादत काविशों से इलेक्शन जीते, तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मकबूजा कश्मीर के इलाके हिंदवाड़ा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय फौज की बर्बरियत, फायरिंग से 4 कश्मीरी नौजवान शहीद। अमरीका के मुतनाज़ ऐलान के खिलाफ मकबूजा बैतुल मक़द्दस में एहतजाज, इसराइली फौज फलस्तीनी मुजाहिरीन पर बरस पड़ी, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से सैकड़ों अफराद जख्मी, मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अक़वामे मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया, अक़वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदा जेफरी फेडमैन का प्योंगयांग का दौरा, कहते हैं शुमाली कोरिया के जौहरी तनाजे को फौरी हल होना चाहिए। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, लाहौर सियालकोट और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सखर ठट्टा कंदकोट और अंदरून सिंध कई मुकामात पर रिमझिम से मौसम सर्द, कराची में ठंडी हवाओं ने सर्दी का मजा दोबाला कर दिया। बरतानिया में रिकॉर्ड बर्फबारी, हीथरो और बर्मिंगम एयरपोर्ट्स बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर, 30 सेंटीमीटर बर्फबारी से वेल्स और मिडलैंड में निजाम जिंदगी दरहम बरहम।
कैलिफोर्निया के जंगलात में एक हफ्ते से लगी आग ने तबाही मचा दी। 2,30,000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। 4,000 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ है।